हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यदि दोस्तों जो आपने अपनी सीनियर सेकेंडरी है यानी ट्वेल्थ दोस्तों यदि अभी अभी कंप्लीट की है या करने वाले हैं दोस्तों, और आप फॉरेन में यानी दूसरी कंट्री में जाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में दोस्तों मैं उस मिस्टेक की बात करूँगा जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर ट्वेल्थ वो मिस्टेक करते दोस्तों, और अपनी इसी मिस्टेक के कारण दोस्तों वो कई बार अपनी जो ड्रीम कंट्री दोस्तों उसमें भी नहीं पहुँच पाते दोस्तों अपनी इसी मिस्टेक के कारण, ताकि दोस्तों आप ये मिस्टेक न करें दोस्तों और आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों अब और देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई स्टूडेंट्स प्लस टू कर लेता है तो उसमें से 90% स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि दोस्तों अब मुझे इंडिया में आगे स्टडी कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे इंटरनेशनल दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा दोस्तों, वहां पर मैं स्टडी करूंगा, मुझे यहां पर स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे वो अपनी स्टडी पर वहीं फुल स्टॉप लगा लेते दोस्तों आफ्टर ट्वेल्थ ही। तो दोस्तों यही मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं करते, वो प्लस टू तक ही करके छोड़ देते दोस्तों, और फिर आईएलटीस या पीटी की प्रेपरेशन करने लग जाते दोस्तों, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये अच्छी बात है दोस्तों, आप इनकी तैयारी कीजिए दोस्तों, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो स्टडी दोस्तों उसको भी कंटिन्यू रखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, आपको अच्छा एजेंट नहीं मिल पाता, किन्हीं भी कारणों से दोस्तों यदि आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव रिजल्ट आता दोस्तों, आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता दोस्तों। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का हो दोस्तों, लेकिन सिचुएशन तो आ सकती दोस्तों किसी पर भी, ताकि आपका आगे स्टडी यदि आपकी कंटिन्यू है दोस्तों तो आपका गैप न हो दोस्तों। जो ये गैप है, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है दोस्तों, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वो आपके गैप को एक्सेप्ट ही नहीं करती दोस्तों, जिनमें वीज़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दोस्तों मैसेज आते हैं जिनके एकेडमिक्स भी अच्छे हैं और साथ में उनका आईएलटीस या पीटी में जो बैंड स्कोर है वो भी अच्छा दोस्तों, और फिर भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, अच्छे कॉलेज है, वो उनको ऑफ़र ही नहीं दे रहे दोस्तों, उनका एडमिशन ही नहीं ले रही, क्योंकि उनके गैप के कारण दोस्तों, उनका गैप हो चुका दोस्तों। वो स्टूडेंट्सों ने यही मिस्टेक की है कि अपनी प्लस टू के बाद वो यही सोचते कि अब तो मैं फॉरेन में चला जाऊँगा, मुझे आगे यहाँ पर स्टडी कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं, या मैं पैसा बर्बाद ही करूँगा। दोस्तों आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते दोस्तों, अगर आपका वीज़ा आता है तो आप चले जाना दोस्तों, लेकिन बाय चांस अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो दोस्तों 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको वो दिक्कत नहीं आएगी कि आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि आप के पास गैप नहीं दोस्तों, आप अपनी स्टडी है जो कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो दोस्तों मानना या ना मानना दोस्तों ये आपकी मर्जी है, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें दोस्तों, ये आपकी 100% हेल्प करेगी दोस्तों अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। यदि आपका छोटे से छोटा कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा दोस्तों, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।